नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल विनी स्टार अकेडमिक में। डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक पूछा गया है जो कि आँखों के लेकर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में उस टेंशन को आपके दूर कर देंगे। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो भी, नहीं पहनते हैं तो भी, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे। अच्छा लगेगा तो इसे एक लाइक ठोक दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब बनता है। देखिए दोस्तों, क्या है मेडिकल स्टैंडर्ड जो कि RRC ग्रुप डी और RRB NTPC में 6 प्रकार से होते हैं, लेकिन सभी पोस्टों के लिए देखेंगे अलग अलग रहता है। जो होते हैं A2, A3, B1, B2, C1, C2, ये होते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम में मैक्सिमम होते हैं। कैसे होते हैं ये भी हम आप लोग को बताते हैं, और अगर किस सेक्शन में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो कौन से पोस्ट के लिए बाहर हो जाएंगे वो भी हम आप लोग को दिखाएंगे, ऑफिशियली बिल्कुल दिखाएंगे दोस्तों। किसी भी प्रकार का इसमें गलत या फिर बाहर से हम नहीं बना रहे हैं, एकदम बिल्कुल ऑफिशियली नोटिस में जो दिया गया है वही बताएंगे। और हमारा भी मेडिकल हुआ था तो हमने पूरा देखा है कैसे होता है मेडिकल, तो वो सारी बातें बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए A2 क्या होता है। A2 जो है दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड, इसमें 6x9 आपकी डिस्टेंस विजन होना चाहिए। डिस्टेंस विजन जो कि इसमें आप विथ और विदाउट ग्लास नहीं चलता है, इसमें विदाउट ग्लास होना चाहिए। आप चश्मा नहीं पहनते रहेंगे तभी A2 में क्वालिफाई करेंगे। और नियर विजन 0.6 सभी में होता है। A2 में एक टेस्ट और होता है, कलर विजन टेस्ट, जिसको बाद में कलर ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है, और बाइनोक्युलर टेस्ट होता है। ये A2 की स्टैंडर्ड में आते हैं, 6x9 विदाउट ग्लास। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो A2 कैटेगरी में आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। और A2 कैटेगरी में कौन कौन से पोस्ट आते हैं NTPC में भी दिखाएंगे और ग्रुप डी में भी दिखाएंगे, थोड़ा सा और पहले देख लेते हैं। अब A2 में अगर क्वालिफाई नहीं किए हैं तो A3 में जांच होगा। A3 में क्या होता है, सेम कंडीशन है, डिस्टेंस विजन 6x9, इसमें एक बदल जाता है, इसमें विथ और विदाउट ग्लास हो जाता है अगर आप चश्मा पहनते हैं तो भी। लेकिन चश्मे की कंडीशन क्या है, 2 डायोप्टर से आपकी चश्मे की लेंस की जो है क्षमता है वो 2 डायोप्टर से कम होना चाहिए। ये है A3 के लिए। नियर विजन सेम है 0.6, इसमें भी बाइनोक्युलर टेस्ट होता है और कलर विजन टेस्ट होता है। ये है A3। अब उस A2 में क्वालिफाई नहीं करते हैं, A3 में जाएंगे, और अगर A3 में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आएंगे B1 में। देखिए B1 में क्या है, 6x12 क्या है, 6x12, इसमें भी विथ और विदाउट ग्लास। जो ग्लास का नंबर है इसमें 4 डायोप्टर, जी हाँ दोस्तों, अभी 2 डायोप्टर से चल रहे थे, अब 4 डायोप्टर से कम होना चाहिए। अगर आप A3 में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो B1 में आएंगे, जिसमें ग्लास का नंबर 4 डायोप्टर से कम है तो चलेगा। और इसमें भी बाइनोक्युलर टेस्ट और आपकी कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होती है। तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट ऊपर से तीनों में होती है, आप देख सकते हैं A2, A3 और B1 में कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होती है। अगर आप कलर ब्लाइंड पाए गए तो इन सेक्शन में आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। अब अगर B1 में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो B2 में जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो B2 में क्या होता है, सेम कंडीशन है जो अभी B1 में पढ़े हैं, 6x9, 6x12 विथ और विदाउट ग्लास, जिसमें ग्लास का नंबर होता है 4 डायोप्टर से कम होना चाहिए। नियर विजन सेम है 0.6, और इसमें अंतर क्या है, इसमें कलर विजन की टेस्ट नहीं होती है और बाइनोक्युलर टेस्ट मस्ट है, बाइनोक्युलर टेस्ट होता है लेकिन कलर विजन टेस्ट नहीं होती है। तो अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो जाएंगे C1 में। C1 क्या होती है दोस्तों, C1 स्टैंडर्ड, ये अब आगे जो तीनों हम बताए हैं B2, C1, C3, C2, तो इनमें क्या है, आपको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट नहीं होते हैं, कलर ब्लाइंड पाए गए तो भी आप इन सेक्शन में क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए आप C1 में आएंगे तो क्या होता है, यहाँ पे 6x12 एंड 6x18 विथ और विदाउट ग्लास, विथ और विदाउट ग्लास, इसमें भी चश्मे के नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चश्मा का नंबर कुछ भी हो सकता है सबसे बड़ी बात। और नियर विजन वही है सेम 0.6, अगर इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो C2 में आएंगे। C2 में क्या है, 6x12 को फुलफिल करता रहे, 6x12 को फुलफिल करता रहे, इसके अलावा आप में इसमें नियर विजन का टेस्ट होता है 0.6, सेम कंडीशन है।
डियर फ्रेंड्स, अगर आप चश्मा लगाते भी हैं तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पिछले वीडियो में भी चश्मा लगाकर बनाए थे तो बच्चे पूछे कि सर आप चश्मा लगाते हैं, मेडिकल में हुआ था तो बताइए क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्या प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो दोस्तों, हमारा चश्मा बिल्कुल नॉर्मल है, बस पढ़ते समय या फिर वीडियो वगैरह बनाते समय या फिर मोबाइल देखते समय ही हम लगाते हैं, ज़्यादा इसमें हमारी आँखों में प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा आँख बिल्कुल, मैं A2 स्टैंडर्ड में क्वालिफाई हुआ था। तो आप लोग देखिए, अगर आप किस सेक्शन में क्वालिफाई करते हैं तो कौन सी पोस्ट पाएंगे, अगर A2 में नहीं क्वालिफाई करते हैं तो कौन कौन से सेक्शन से बाहर हो जाएंगे। अब हम आपकी स्क्रीन पर ग्रुप डी के भी दिखा देंगे सारे पोस्ट, उसके आगे मेडिकल स्टैंडर्ड दिया रहेगा और NTPC के भी सारे पोस्ट दिखा देंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड दिया रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जल्दी से लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी किया करो यार। आपकी स्क्रीन पर आ गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।